मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे न्यूज चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। और हमने जो भारत का भूगोल श्रृंखला को आगे बढ़ाया था, उसमें हमने पहला लेक्चर दिया था भारत की अवस्थिति तथा स्थिति एवं विस्तार। उसी का अपन पार्ट टू पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कुछ चीजें सामान्य ज्ञान की भी होगी और जो कुछ पीछे बची हुई है वो। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो अपन का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी भारत है जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा राज्य है, सातवां बड़ा देश है, यानी उसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर बात करते हैं ये जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल का 2.41% भाग है, यानी प्रतिशत में अगर बात की जाए तो ये 2.41% भाग विश्व के क्षेत्रफल का है। और अब अपन बात करते हैं कि जो ये भारत देश है इसकी जो स्थलीय सीमा और तटीय सीमा ये कितनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस भारत देश की जो जहाँ समुन्द्र तट नहीं लगता है उसकी स्थलीय सीमा है आपकी 15,200 वर्ग किलोमीटर। फिर बात करते हैं कि इधर समुद्र से भी कुछ सीमा लगती है, तटीय राज्य 9 राज्य उनकी सीमा लगती है आपकी 6,100 वर्ग किलोमीटर। अब बात आती है यहाँ पर द्वीप समूह भी है कुछ, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगर द्वीपों सहित समुद्र की तट रेखा की लंबाई पूछी जाए तो उसमें 7,515.6 वर्ग किलोमीटर मानी जाएगी। अगर अपन भारत की तटीय सीमा और स्थलीय परिधि दोनों की मिलाकर अपन बात की जाए तो भारत की चारों ओर की परिधि का जो क्षेत्रफल है वो 22,715.6 वर्ग किलोमीटर होगा। 22,715.6 वर्ग किलोमीटर माना जाएगा। अब अपन बात करते हैं आगे कि भारत है जो भारत के जो अपन के सबसे बड़े राज्य हैं, जैसे 4-5 राज्यों के नाम बता देते हैं। सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद में आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में आता है आपका यूपी, यूपी के बाद में आपका आता है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर दो भागों में केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है, एक जम्मू कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया, ठीक है। ये तो हो गए 5 बड़े राज्य। अब भारत के जो ये ऊपर की 15,200 परिधि सीमा है, 15,200 वर्ग किलोमीटर, ये इसलिए 17 राज्यों से टच करती, यानी यहाँ जो बॉर्डर पे है 17 राज्य आपको मिलेंगे इस बॉर्डर पे। फिर अपन अगली बात करते हैं कि जो भारत है उसकी तटीय सीमा रेखा भी है जो भारत के 9 राज्यों से होकर लगती है, जैसे पहला इधर से पश्चिमी तट से बात करते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, फिर तमिलनाडु पूरी तट पे, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल, यानी ये जो 9 राज्य है भारत की तट रेखा की सीमा लंबाई बनाते हैं 6,100 वर्ग किलोमीटर और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपों सहित अगर पूछी जाए तो 7,515.6 किलोमीटर। अब इसमें भी सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है तट रेखा के साथ, तो गुजरात है 1 नंबर पर और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, 2 राज्य। अगर सबसे छोटी तट रेखा की लंबाई अगर पूछी जाए तो अपन इसमें बात करेंगे गोवा, गोवा सबसे छोटी तट रेखा की लंबाई है। अब अगर बात करते हैं कि भारत के ये बड़े राज्य हो गए, अब छोटे राज्य की भी बात कर लेते हैं, तट की राज्य भी मैंने बता दी, अब छोटे राज्य की बात करते हैं। सबसे छोटा राज्य सबसे पहला गोवा, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, फिर आएगा आपका सिक्किम और फिर आएगा ये वाला त्रिपुरा, यानी 3 छोटे राज्य हो गए, एक तो हो गए गोवा, एक हो गए सिक्किम और एक हो गया आपका त्रिपुरा, यानी 3 छोटे राज्य हो गए आपके सबसे छोटे। अब अपन बात करते हैं आगे कि जो
अंदरूनी राज्य यानी जिसकी स्थलीय सीमा नहीं है उनमें अपन पांच राज्यों को पढ़ते हैं जो न किसी देश से लगते हैं न किसी समुद्र से लगते हैं। उनके नाम बता देते हैं, जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये पांच राज्य हैं जो आपके अंतर्वर्ती राज्य या मध्यवर्ती राज्य कह सकते हैं, या अपन ये कह सकते हैं इनकी न तो सीमा किसी देश से लगती है और न ही किसी समुद्र तट से लगती है। फिर अपन अगर तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से जब अलग हुआ तो वो थे 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और उसकी राजधानी अभी है हैदराबाद अगले 10 वर्षों के लिए। तेलंगाना की राजधानी अभी क्या है? हैदराबाद अगले 10 वर्षों के लिए। फिर अपन बात करें कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का सातवां बड़ा देश है, तो इसमें जो अक्षांश जो देशांतरीय विस्तार है उसके कारण भारत के समय में 2 घंटे का अंतर होता है सूर्योदय में। सूर्योदय में कितने घंटे का? 2 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि जब अपन इस देशांतर की बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 57 डिग्री और 25 मिनट, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो लगभग आएगा 30 मिनट, 30 देशांतर, वो आएगा आपके 30 देशांतर, यानी लगभग इसमें आपके 29.18 समथिंग आएगा, उसको अपन 30 देशांतर मानते हैं। तो आपके जो 2 घंटे है वो देशांतर घंटे का अंतर है वो आपके 30 देशांतर, यानी एक देशांतर को पार करने में अपन को 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतर को पार करने में समय लगेगा 30 × 4 = 120 मिनट, यानी 2 घंटे। ये कहां से है? यानी जो भारत इतना क्षेत्रफल में इतना इसका विस्तार है देशांतर के कि इनमें 30 देशांतर का अंतर है और एक देशांतर को पार करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 देशांतर को पार करने में हमें समय लगेगा 30 × 4 = 120 मिनट का। तो इस प्रकार ये हो गया आपके 2 घंटे का अंतर। अब अपन आगे बात करते हैं और राज्यों से, जैसे पड़ोसी देश से, जैसे अपन का पाकिस्तान। वैसे अपन ने पड़ोसी देशों के बारे में बता दिया, लेकिन अपन बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ में जो अपन की सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन, यानी सर रेड क्लिफ थे उनके नाम के आधार पर ही इनका नामकरण हुआ रेड क्लिफ। ये लाइन जो भारत पाकिस्तान का जब आजाद हुआ 1947 में, उस समय के बाद में इस लाइन को, इस काल्पनिक रेखा को माना गया है और इसको खींचा गया है कि ये लाइन है रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने। फिर बात करते हैं दूसरी बात भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको अपन कहते हैं डूरंड लाइन, जो केवल एक राज्य जम्मू कश्मीर के साथ बनाते हैं डूरंड लाइन। फिर अपन बात करते हैं चीन के साथ में, तो चीन के साथ में बात करते हैं तो भारत और जो चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है ये वाली लाइन, इसको अपन कहते हैं मेक मोहन रेखा। और मेक मोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था, मेक मोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ जो भारत और चीन के बीच में 3488 वर्ग किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई। अब जैसे ये पाकिस्तान पड़ोस के 4 राज्य इससे लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, यानी 4 राजस्थान भारत के स्टेट हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं। और अफगानिस्तान से सिर्फ एक स्टेट लगता है जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। फिर बात करते हैं अपन चीन की, चीन के साथ में भारत के 5 राज्य की सीमा बनाते हैं, जैसे इधर वाला अगर अपन जम्मू कश्मीर ना माने, अगर लद्दाख माने तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश, यानी चीन के साथ में भारत के 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं मेक मोहन। फिर अगला जैसे नेपाल,
नेपाल के साथ में भी भारत के पांच राज्य सीमा बनाते हैं। पहला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और सिक्किम, यानी ये जो पांच राज्य हैं ये सीमा बनाते हैं इसके साथ में। फिर अपन बात करते हैं अगला कि भूटान। भूटान के साथ में भी चार राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। पहला पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम, फिर असम और फिर अरुणाचल प्रदेश, यानी भूटान के साथ भारत के चार राज्य सीमा बनाते हैं। अब अगर अपन बात की जाए बांग्लादेश की, ये है बांग्लादेश, इसके साथ में भी अपन भारत के राज्य जो लगते हैं, सबसे पहला पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम, यानी जो बांग्लादेश है उसके साथ में भी पांच राज्य सीमा बनाते हैं। और बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जो बनती है, अगर वो है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ भूमि विवाद था, अब वो भूमि विवाद समाप्त हो गया है। वो अपन का 100वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसके तहत 100वें संविधान संशोधन अधिनियम, उसके तहत 2015 में भूमि विवाद को समाप्त कर दिया गया है। फिर भारत का एक और पड़ोसी देश है म्यांमार, जिसकी सीमा है भारत के साथ में 1643 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने? 1643। अब अपन बात करें थोड़ी और कि भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा 3 देशों से लगते हैं। जैसे पहली बात करें अपन पश्चिम बंगाल, ये वाला यहाँ पर एक है पश्चिम बंगाल, ये वाला राज्य। तो देखो पश्चिम बंगाल की इधर से तो लगती है बांग्लादेश से, फिर यहाँ से लगती है नेपाल की, ये वाला पश्चिम बंगाल का इलाका यहाँ तक, तो यहाँ तक एक तो बांग्लादेश हो गया, फिर नेपाल और फिर भूटान, यानी 3 देशों से इस पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है पहला राज्य। दूसरे राज्य की बात करें सिक्किम, ये वाला छोटा सा एक राज्य है यहाँ पर सिक्किम, ये वाला, तो इसकी सीमा भी इधर से आपको लगती है नेपाल से, इधर लगती है भूटान से, नेपाल भूटान और इधर से लगती है चीन से, यानी जो आपका सिक्किम है इसकी इस राज्य की सीमा भी 3 देशों से है। फिर अपन बात करते हैं जम्मू कश्मीर। अब ये जम्मू कश्मीर जब पहले एक था पूरा इधर वाला क्षेत्र, तो यहाँ पाकिस्तान से लगता था, इधर अफगानिस्तान से लगता था और इधर चीन से लगता था, यानी जो जम्मू कश्मीर है इसकी भी सीमा 3 राज्यों से लगती है। अगला बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, ये वाला है अरुणाचल प्रदेश। देखो इसकी सीमा इधर से लगती है भूटान से और ऊपर की साइड से लगती है चीन से और इधर से लगती है आपके म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी 3 राज्य से, चीन, भूटान और म्यांमार, 3 राज्य से होकर लगती है। फिर अपन एक बात करते हैं कि भाई जो अपन भारत में जब भी अपन कहते हैं ये पहाड़ी इतनी ऊंचाई पर है, ये पहाड़ी इतनी ऊंचाई पर है, या ये वाला क्षेत्र समुद्र तल से इतना ऊंचा है, तो जब अपन समुद्र तल की ऊंचाई मापते हैं तो अपन जो चेन्नई तट है अपन का, इधर वाला तट है चेन्नई, वहां से भारत की समुद्र तट रेखा को अपन मापते हैं चेन्नई तट से। आपको कभी पूछ दे किस तट से अपन समुद्र की ऊंचाई का मापते हैं, तो वो हो जाएगा आपका चेन्नई तट। फिर अपन 2-3 और बातें कर लेते हैं कि भारत में जो अपन के अरब सागर है, और अरब सागर में भी आपके लक्षद्वीप समूह हैं, छोटे बड़े काफी द्वीप हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो लक्षद्वीप हैं यहाँ पर 3 मुख्यतः बिंदु हैं, 3 आपके द्वीप हैं छोटे बड़े, उनको बता देते हैं। जैसे एक आपका आता है 9 डिग्री चैनल और एक आता है 8 डिग्री चैनल, तो इनको कौन कौन अलग करता है, तो ये वाला। अब जो यहाँ पर है एक लक्षद्वीप समूह है भारत के इधर 9 डिग्री पे लक्षद्वीप, इधर है आपका एक मिनिकाय द्वीप, और इधर है एक आपका मालदीव, मालदीव की राजधानी है माले और लक्षद्वीप की एक कवरत है। तो देखो यहाँ से लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप को अलग करने वाले चैनल को कहते हैं 9 डिग्री चैनल,
लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीप को अलग करने वाले चैनल को कहते हैं नौ डिग्री चैनल, और मिनिकाय और मालदीप को अलग करने वाले चैनल को कहते हैं 8 डिग्री चैनल। ये वाली बात हो गई, ये हो गए अपन के अरब सागर के द्वीपों के बारे में छोटी जानकारी। अब अगर अपन बात करते हैं लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप हो गया, अब अपन बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की, उसकी भी कुछ विशेषता है वो भी अपन बात कर लेते हैं। जो मेन मेन द्वीप है उनके बारे में बता देते हैं। इधर छोटे बड़े कुल मिला के 7 द्वीप हैं, 7 द्वीप हैं, उनमें से 3 द्वीप निकोबार के हैं और 4 अंडमान के हैं। इस सबसे ऊपर वाले द्वीप को अपन कहते हैं उत्तरी अंडमान द्वीप, इसको उत्तरी, इसको मध्य, इसको दक्षिणी अंडमान और इसको कहते हैं लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, इसको कहते हैं कार निकोबार और छोटा निकोबार या लिटिल निकोबार, और इसकी भी बात कर लेते हैं और ग्रेट निकोबार, ये हो जाएगा आपके ग्रेट निकोबार। यानी ये है अपन के बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीपों की श्रृंखला जो मेन मेन द्वीप है। अब इस उत्तरी द्वीप समूह, ये बात, यहाँ अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है एक सैडल पीक, यहाँ आपको ध्यान रखना है सैडल पीक है जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और इस उत्तरी द्वीप समूह के इधर एक नरकोंडम ज्वालामुखी है, नरकोंडम, ये ज्वालामुखी है जो सुसुप्त है, सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है ये। फिर अपन बात करते हैं मध्य अंडमान, फिर एक आता है दक्षिण अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की राजधानी है, जो पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पे है, दक्षिणी अंडमान पे द्वीप पे है। और फिर अपन एक बात करते हैं, यहाँ पर एक और आता है आपका बेरन द्वीप समूह ज्वालामुखी है, बेरन ज्वालामुखी, ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बेरन बेरन ज्वालामुखी। ये हो गया उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। फिर यहाँ पर एक दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को एक दर्रा है, एक पास है, उसका नाम है डक्कन पास, डक्कन पास, यानी ये इसको चैनल को अलग करता है। डक्कन, आपको पूछे कि डक्कन चैनल कहाँ है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। फिर अगर एक बात की जाए कि 10 डिग्री चैनल का है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य एक 10 डिग्री चैनल है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में 10 डिग्री चैनल, तो ये हो जाएगा आपके लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में। फिर यहाँ पर अपन कार निकोबार हो गया, छोटा निकोबार हो गया या ग्रेट निकोबार, एक लास्ट चीज अपन बता देते हैं, ये जो ग्रेट निकोबार है इसका जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इसको अपन कहते हैं पार्सन पॉइंट या इसको पिक मिलेनियम पॉइंट कह देते हैं, पिक मिलेनियम पॉइंट। और यहां पर एक ग्रेट निकोबार में एक जेव बायो जेव रिजर्व सेंटर भी है, यहां पर एक जेव रिजर्व सेंटर भी है। इस प्रकार हमने पढ़े भारत की जानकारी सामान्य स्थिति विस्तार और अवस्थिति के बारे में, और भी कुछ चीजें हैं जो अपन इस वीडियो में नहीं बता सकते, बाकी वाले अपन बात करेंगे आगे, ठीक है।